यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में रविवार 7 मई को दिग्रस मुस्लिम गवली बिरादरी की ओर से इज्तिमाई शादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 28 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस मुस्लिम गवली बिरादरी बीते 18 सालों से इज्तिमाई शादियों का आयोजन सफलतापूर्वक करती आ रही है। इज्तिमाई शादियों का आयोजन कर मुस्लिम गवली समाज बंधुओं ने शादी के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची से अपने समाज को बचाते हुए इज्तिमाई शादियां अर्थात सामूहिक शादियों के माध्यम से एक बेहतर, कारगर और काबिले तारीफ मिसाल कायम की है। रविवार को संपन्न हुए इस समारोह में अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़, पूर्व राज्य मंत्री संजय देशमुख सहित राजनीतिक क्षेत्र के नेतागण, प्रशासन के आला अधिकारी, मस्जिदों के इमाम और इनके साथ कई मान्यवर और मुस्लिम गौली समाज सहित विभिन्न धर्म समुदायों के नागरिक हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पिछले 18 साल से ये जो मुस्लिम गौली समाज की इज्तिमाई शादियाँ होती है, वो पूरा गौली समाज दिग्रस का मिलकर अंजाम देता है। और ये जो प्रोग्राम है, इसमें रुस्तम भाई खुद हजर रहकर पूरे शादियों का इंतजाम करते हैं। खाना दाना लेना देना जो भी है, ये सब रुस्तम भाई के हाथ में रहता है। और रुस्तम भाई को पूरे गौलीपुरा का सपोर्ट होने की वजह से आज वो ये काम कर सक रहे हैं। गौली समाज में फिजूल खर्ची को बचाने के उद्देश्य से ये जो इज्तिमाई शादियाँ है, इसका इंतजाम किया जाता है। आज यहाँ पे 28 जोड़ों का निकाह हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा इंतजाम किया गया है। इसके लिए मैं दिग्रस गौली बिरादरी के तमाम मुस्लिम गौली समाज के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ। और खासकर जो रुस्तम भाई अपने रात दिन मेहनत करके इसको अंजाम दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस भव्य शादी समारोह में अकोला, वाशिम, मंगरूलपीर, बुल्ढाना, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, इन शहरों में रहने वाले गौली समाज बंधुओं ने बड़े पैमाने पर शिरकत की थी। शादी की इस शिरकत में आने वाले मेहमानों के लिए यहां बड़े पैमाने पर लजीज खाने का इंतजाम किया गया था। इज्तिमाई शादियों के इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए मुस्लिम गौली समाज के युवाओं सहित गौली बिरादरी के नेताओं ने योगदान दिया है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।